पूछो जयपुर में मेरा तो गुलाम भगवान ना भगवान थारा गुलाम बताया। संसार में मारो माने वो संसार का गुलाम बनना ही पड़ेगा, उसे हाथ की बात नहीं, नहीं बने संसार सदा गुलाम बनाकर रखना चाहिए आपको। सर्गो ये सामने समता में मनस्थित हो जाएगा तो संसार पर आप विजयी हो जाओगे, नहीं तो आप पर संसार विजयी हो जाएगा, आपको गुलाम बना देगा। आप गुलाम बनोगे तो आपको गुलाम बनाएगा। अरे भगवान के गुलाम बन जाओ तो आप मालिक बन जाओ, भगवान को मालिक मान लो तो आप मालिक बन जाओ, दोनों में भगवान का पुत्र मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, बाप मान लो, गुरु मान लो, कुछ भी मान लो, माला मान लो, आप बड़े हो जाओगे, बिल्कुल बड़े हो जाओगे। भगवान को बच्चा मान लो, हमारे बारह के भगवान तो आप बाप हो जाओगे, बड़ा हो गया। अरे आप बेटा मान लो, भगवान का बेटा, भगवान मेरे बाप है, तो आपके भगवान बड़े हो गए। आपको तो बड़ा बड़ा है, बेटे तो बस हो जाएगा आप। जो कोई नाता मान लो वो नाता आपको बड़ा बढ़ा देगा। भगवान का संबंध ये सही है, भगवान सबको ही महान बनाते हैं, दुनिया सब गुलाम बनाते। धन मानो धन के गुलाम हो जाओगे, जमीन मानो जमीन के गुलाम हो जाओगे, मकान अपना मान लो मकान गुलाम हो जाओगे। जिसको संसार में अपना मानोगे उसके गुलाम हो ही जाओगे, आपको वो कर ही रहेगा, आप बस सकोगे ही नहीं। आज दुख किस बात का है? इस गुलाम में गए दुख, बाप मर गया, बेटा मर गया, पोती मर गया, पुत्र मर गया, स्त्री मर गई, मारा मर गया, वो रो बैठा। फिर समझो मारा है, थाना नहीं है, थाना रुवाने वास्ते है असली। कहीं नहीं थी वहां पर मान लो, तुझे स्वांग रोज से दिया जाता है, तू जिसको प्यारा मानता है वह तेरू उठाएगा, उसके लिए रोना पड़ेगा तुम्हारे। वो मर जाए तो रो, थे मर जाए तो रो, थे मरो तो रहता रहता ही मरो, अरे वे मरता ही रोबा तो रोते जीवो, रोते ही जीतो, रोते ही मरो, रोने के सिवाय जयराम जी कुछ मिलने का है नहीं। भगवान को अपना मान लो, अपने को भगवान का मान लो, तो मारा संसार मान लो जाए, आप सबको दुनिया मात्र मान लो जाए, ये तो महात्मा है, ये संत है, ये तो बड़े है। क्या होगा, आपने संसार को अपना नहीं माना, भगवान को अपना माना, निहाल हो जाओ, कितनी मिली सुबह से। अरे माना है आपने हाथ की बात, इसमें परतंत्रता है नहीं, बिल्कुल स्वतंत्रता है। अब ग्रीष्म को साधु बन गया, अब क्या करे ग्रीष्म ही साधु बनते में भेज कर मतलब साधु नहीं और साधु हो गया, कई साधु ऐसा दूसरे कम हो गया, दूसरे गुरु बना दिया, क्या करे स्वतंत्रता है, बिल्कुल कोई प्रतंत्रता किस स्थिति भी नहीं है। भगवान बन जाओ तो भगवान को अपना बना लो, संसार को अपना बना लो, संसार का आप बन जाओ, संसार का तो आप बनो तो आप ही गुलामी, आप संसार को बनाओ को तो गुलामी। अरे भगवान के आप बन जाओ तो भगवान गुलाम हो जाए, अरे भगवान को गुलाम बनाओ तो आप भगवान गुलाम हो जाए, बोलो कितनी बढ़िया बात है। अपना मानना पड़ेगा या किसी ने किसी को अपना मानोगे, सभी को अपना मानोगे तो ये
मलमूत्र पैदा करने की फैक्ट्री है शरीर। शरीर क्या है? बढ़िया में दे दो और भिष्टा बना लो, गंगा जल जमुना दे लो और पेशाब बना लो। मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है खुली हुई, इसको अपना मानो, इसके गुदाम पर जाओ। अब इसी राजी में राजी, इसी नाराज नाराज, ये बीमार हो जाए दुखी हो जाओ, सिंह हो जाओ सुखी हो जाओ। पिस्ता मूत की फैक्ट्री को अपना मानोगे तो इसके गुलाम बन जाओगे। और आप ये नहीं बनोगे, भगवान के बन जाओ। संसार मात्र आपको नमस्कार करे, एक आपकी कृपा भये थे जगत करे सम्मान। आप कृपा पे दूसरे को कुकर का सम्मान करना, दौलत कुकर का कुत्ता कौवे की तरह हो जाओ। भगवान भगवान को मानो, जगत करे सम्मान, संपूर्ण भगवान करेगा, आदर करेगा, भगवान को अपना मान्या। बोलो इन्हें संदेह है क्या? कितने ही पढ़ जाओ, कितने से पंडित बन जाओ, कितने योगाभ्यास कर दो, सब कर दो, कुछ नहीं मिलने का है। जय राम जी। एक बड़ा बड़ा कर लो, बड़े पंडित बन जाओ, बातें सुना दो, वाह वाह कर दो। उष्ट्रा नाम विवाह गायन से गीत ग्रंथ हुआ, ऊंचो ब्याह है गधा गीत गावे, परस्परम प्रसन्न थी, परस्पर संसागर प्रशंसागर ऐसा कदर के, वाह वाह रूप बड़ा सुंदर है, वे तो वाह वाह गाड़ो बड़ो सुंदर है, लेना है लेना। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्धवा परस्परं प्रसन्नन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि, ऐसा कैसे रूप है, कैसी ध्वनि हो रही है। आ है संसार की दशा, इन संसार जोड़े का दशा है, जीव जाओ भगवान की तरफ देख लो, भगवान के संग को हुए जीव मोई जब ही के जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, देरी का काम नहीं। अब चंचो की लगे जो कर दूसरा है, बिल्कुल स्वतंत्र हो, इसमें पराधीन एक किसी भी पराधीन का नहीं है। एक ब्राह्मण परिवार था, ब्राह्मण ब्राह्मणी बेचार बहुत सार प्राणी थे घर में, बेटा मर गया, बेटा मर गया तंदूरी यूं सौ से, वो तो आंगन में पड़ा है, अरे बाबा जी चलते ब्राह्मण देव चलती हूँ, फिर क्या करो नहीं घर में पड़ा है, घर में किसी से दुखी करो, हमारे घर से रह नहीं, हमारे घर भी घर से साधु बन गए। अब किसी को घर अच्छा लगे तो मधु उठाओ, नहीं लगो तो मधु उठाओ, बैठो रहो, हम तो भजन करेंगे। क्या आपको चिंता नहीं होती? बेचारी अबला बैठी सासू बहु दोनों ही क्या करेगी, क्योंकि मरने वाले ने चिंता करी वो नहीं, तो बस खराब को मारो, मरने से खराब नहीं है मेरा काम, मरते ही विचार को मैं साधु तो भजन करो, इसकी चिंता करूंगी क्या, मरने से भी सुधर जाएगा है। कौन पकड़ सके बता, फिर है था बिल्कुल सब स्वतंत्र। अखबार में आई थी एक बात, पांच सात दस वर्ष हो गया, नागपुर में है लड़के थे जवान जवान बात कर रहे थे, तो छोड़ने में क्या देरी लगी, क्या छोड़ने में क्या देरी लगती, हम छोड़ रहे ही चाचा छोड़ दो, तुम्हारी किसी को माँ कह सकते हो, हाँ गया घर माँ आगे भिक्षा दे, चल दिया वही दिन से, फिर घर में आया ही नहीं, किसी को माँ कह दिया, और कौन पकड़ सकर ने पकड़ सको, कोई क्या करे क्या करो बताओ, माँ कह दिया मांग ली, अरे बस बस आना जाना जयराम से कहीं पर किसी है ताकत,
क्या प्रतंत्रता बताई, इतना बैठे बताओ क्या पराधीन है इसमें। आप ऐसे मन से ही बंधे हुए हो, साधु होने पर गुरु जी बंध जाते हैं। अरे गुरु जी तुम्हारे कल्याण करे तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी जी यहाँ कल्याण करे भाई। मैं तो आप ऐसे ही होता आया हूँ भाई, इस तरह से ऐसी उम्र के भाई जहाँ जात दी लोग अच्छा दिया। पढ़ करके कथाओं करके पूजा कराएगी, भेंट दे दी, कथा सुना दी, यूं कर दिया, और देखा दी इसमें कोई गाना बजाने कर दिया, पेटी बजा ली, टुकड़ा बजा लिया, गा दिया, सुना दिया, देख लिया, दिया। चल चली बना लिया, यही करा ली, सब देख लिया, साल साल सब साड़ियां बाहर खा लो, कुछ नहीं पढ़ पढ़ा देख लिया, पढ़ कर देख लिया, पढ़ा कर देख लिया, देखा गया ऐसा कोई कसम जयराम जी लोग साधु और कृष्ण के पीछे पड़ा है। साधु करोगे लोग कहो है कि साधु और चुको जी की वाणी के पीछे पड़ी हुई है, अपने पेख में नियम बना लो तो कोई वाणी कृष्ण के पीछे नहीं पड़े, नियम बना लो फिर तो हम पेख में रहूंगा रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा मैं, नियम तो बना लो, नियम है ही नहीं, कोई किसी जाए कोई किधर जाए कोई किधर जाए, नहीं मैं चोर लगे मैं जाऊंगा, थान चोर लगे थे जाओ, मन चोर लगे मैं जाऊंगा, जयराम जी साधु के बोलते साधु और गृहस्थ के जाओ तो मन और वो तो मन दो लाल तो सर्व तो थाने आने चाहिए कि बेचारो साधु हो और साधु जारे गृहस्थ में पड़ी हो तो थाने कोई मैंने संतोष कराना और मिली होगा नहीं जनी दो वो मिल जाए तो साथ कृष्ण कौन आ जाता रोक ना जाता तो लाल तो थोड़े सर मानी चाहिए कि भाई मैंने वो मन दे और कौन पर पकड़ सके। और बोले मैंने कि तू साथ कृष्ण बन जाओ कृष्ण रोज रूटीन जाओ भाई भूख लगे ऐसे जैसी भूख लगी ऐसे नहीं वो जहां खुराक मिलेगी वहां जाएगा। अरे वैसे क्या करे भूखो मरे कौन पकड़ सके कोई पकड़ कोई पता चिंता नहीं। नारायण नारायण में सुनोगे भाई जय सीताराम 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 जय सी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 सितंबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।